Go Sachin! So, I'm going to be the narrator for this script today. Let's begin. Jennifer कमरे में अपनी माँ के साथ आ रही है, लेकिन ये क्या? लगता है दोनों में कोई बहस हो रही है। मम्मी अब मैं 14 साल की हो गई हूँ, मेरे सारे दोस्त साथ में घूमने जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकते? जेनिफर बेटी, मैं बोल रही हूँ, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो चुकी हो। जो मैं कह रही हूँ वो मैं तुम्हारे अच्छाई के लिए। That's not fair. आप हमेशा अपनी चलाती रहती हैं, ये करो ये ना करो, और मैं इतनी अच्छी बेटी हूँ। तो फिर बोलो अच्छी बेटी, क्यों तुम खाने के बाद बर्तन सिंक में नहीं रखती हो, समय में सोती नहीं हो और फोन पे ही रहती हो, ये क्या है अच्छी बेटी? ओके फाइन, ठीक है, मैं हमेशा अच्छी नहीं रह सकती। अरे समय हो रहा है मेरे काम के लिए, मैं जा रही हूँ, जो काम है वो करके बैठी हूँ। ठीक है बाय। लाभ लाभ लाभ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे मेरी माँ नहीं पसंद है, काश मेरे पास कोई और माँ हो। जेनिफर अपनी मम्मी से बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको सही समय पर करने को कहा, जैसे समय पर सोना, खाने के बाद अपनी प्लेट सिंक में रखना और दोस्तों के साथ अकेले ना जाने देना, जो जेनिफर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ घर से बाहर जाने के पहले जेनिफर को बोलती है कि वो अपनी पढ़ाई कर ले और कोई अनचुभी आए तो दरवाजा ना खोले। तुम्हारा इच्छा पूरी हुआ। क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं जेनिफर, तुम्हें इच्छा मांगी और हम आ गए। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझे सब कुछ दे, मुझे किसी चीज के लिए मना ना करे। तुम्हारा इच्छा पूरी है। तो जेनिफर को कोई और माँ चाहिए और तभी उसको एक आवाज आती है। मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग जाना है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, जो लेना है वो ले लो। मम्मी सॉरी मिस कैटरीना, मैं उस दिन इस लड़की बस मेरे
मेरे पास टाइम नहीं है ये बोलने के लिए, जो तुमको चाहिए था मैंने दे दिया, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ एक पार्टी में, ठीक है? बाय बाय। मेरी माँ को क्या हो गया है? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? जी नहीं। तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है। जेनिफर, तुम क्यों चला रही हो? तुमने ही ये माँ मांगी। पर ये तो मुझसे बात भी नहीं करती। ऐसे ही चाहिए थी। नहीं, ये ऐसे ही चाहिए थे। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझसे बहुत प्यार करे और मेरी हर बात सुने। वो भी ले लो। चन्ना है तू, मेरा सूरज है तू, वो मेरी पापा का तारा है तू। ओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी राजकुमारी बेटी, तुमको क्या करना है? ओ, कैसी है? भूख लग रही है, क्या हो रहा है? बस करो माँ, मुझे छोड़ो। मुझे डिफरेंट मम्मी चाहिए थी, लेकिन इतनी डिफरेंट भी नहीं। क्या खाना है बेटी, मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताओ। ओ मुझे छोड़ो माँ, मुझे हवा नहीं आ रही। हवा नहीं आ रही? गर्मी लग रही है। एसी चलाऊ मैं? ठंडा पानी लाऊ मैं? कुछ बोलो तो। नहीं, मुझे ठंडा पानी नहीं चाहिए, बस मैं वो थक गई हूँ। पैर दबाओ मैं, बोलो क्या करूँ, क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? नहीं बस करो माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। ठीक है तो फिर बताओ क्या खाना है, मैं क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, जाओ। ठीक है जीनी। Good job, Sachin. इस तरह ये माँ भी चली गई, क्योंकि वो भी जेनिफर के पसंद नहीं आती। वो बहुत ज्यादा ही क्या लगती है। जीनी, लाउडर। क्या हुआ? ये तुमने क्या किया? तुमने ही ऐसी माँ मांगी थी जो तुम्हें बातें सुनते हैं और ध्यान रखते हैं। पर इतना भी नहीं, थोड़ी सी तो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए ना। हाँ वो भी ले लो। जेनिफर को अब ऐसी माँ चाहिए जो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो और प्यार भी करे। देखते हैं। अटेंशन। हाँ सीधे रहो, खड़े रहो। यस मैम। तुम्हें कुछ खाना है? हाँ तो फिर खाना मिलता है अब 8 PM शार्प, और फिर 9:30 पे सोना है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। यस मैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? क्या मैं थोड़ी देर से सो सकती हूँ? बिल्कुल ही नहीं, रूल्स आर रूल। ठीक है? नहीं तो वार्निंग मिलेगी। यस मैम। ठीक है। अरे मुझे
ऑफिस जाना है, सब कुछ सब काम करना है या फिर पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? बाय। यस मैम। यस मैम। जीनी लुट गए, लुट गए। तुम मुझे वही क्यों दे रहे हो जो मुझे नहीं चाहिए? हमें ये समझ चाहिए कि जो तुम बाहर ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है तुम्हारे माँ के पास। जेनिफर बोलो, क्या तुम्हारा माँ तुम्हें प्यार नहीं करते है? हाँ, वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमें ये समझाना चाहिए कि हमारे माँ बहुत समझा ध्यान रखते थे, पर हमें हमेशा अच्छा नहीं लगता। जेनिफर, माँ को बच्चे के लिए अच्छा माँ बहुत मुश्किल है। हाँ, इसके बच्चे के लिए बहुत परेशान है अच्छे बच्चा बनना। पर मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी। ओके। मुझे माँ चाहिए, मेरी माँ। वो भी ले लो। माँ अब कहाँ है? माँ अब कहाँ है? मुझे मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। आई लव यू अ लॉट, थैंक्स फॉर बीइंग माय मदर, जल्दी आना, बाय। थैंक यू जीनी मुझे ये समझाने के लिए। जेनिफर ने ये समझा कि अच्छी माँ बनना मम्मी के लिए कितना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बेटी के लिए अच्छी बनना। माँ हमेशा बच्चे के लिए प्रार्थना करती है और प्यार रखती है। राष्ट्रवादी के शोध पे चलिए, हम अपनी अपने माँ और पिता को बताइए आप उनको कितना प्यार करते हैं। थैंक यू। क्या बात है।